and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. 30 Mein 30. हाल ही में एक्टर रणवीर सिंह की स्कर्ट पहने हुए पिक्चर इंटरनेट पर हुई थी वायरल और जब हमने रणवीर से पूछा क्या है इसका राज तो उन्होंने शेयर की इसके पीछे की पूरी कहानी क्या किया आईडिया सी इट वाज वुमेन्स डे सो शी सेड द एंटायर क्रू मस्ट वेयर स्कर्ट सो ऑल द गाइस वर वेयरिंग स्कर्ट्स ऑल द गर्ल्स वर वेयरिंग स्कर्ट्स इट वाज गुड या नाइस टू कमेमोरेट वुमेन्स डे इन सच अ कूल यूनिक वे नाइस आईडिया ज़ोयाज नाइस आईडिया ज़ोयाज नाइस आईडियाज 30 में 30 राजकुमार राव ने कंगना रनौत के साथ काम करने के लिए रखी एक बड़ी शर्त सोर्सेस की माने तो राजकुमार को ये डर था कि कहीं एक बार फिर कंगना उन्हें इस फिल्म में ओवरशैडो ना करे यहां तक कि प्रमोशंस में अपने बेबाक बयानों से कंगना राजकुमार को पीछे ना छोड़ दें अपेरेंटली राजकुमार ने एकता से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी और जब उन्हें पूरा भरोसा मिल गया कि फिल्म और प्रमोशंस में उन्हें बराबर का रोल मिलेगा तभी उन्होंने साइन की ये फिल्म 30 में 30 टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी के लिए हुए पोजेसिव दिशा की वजह से आया टाइगर को गुस्सा अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज रिसेंटली बांद्रा के एक जिम में टाइगर श्रॉफ और दिशा साथ में पहुंचे बताया जा रहा है कि पैपराजी बाहर नहीं बल्कि जिम के अंदर टाइगर दिशा की फोटोज क्लिक करने के लिए आ गए सोर्सेज के अकॉर्डिंग पैपराजी जिम के अंदर टाइगर दिशा की फोटोज खींचने लगे जिसके बाद टाइगर हो गए गुस्सा और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और जिम के स्टाफ पर खूब चिल्लाया 30 में 30 करण जौहर ने रिसेंटली किया एक ऐसा फनी ट्वीट जिसे पढ़ने के बाद बीटाउन सेलेब्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं ट्वीट में केजो ने लिखा है कि वो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए स्पेशली तैयार थे लेकिन कोई पैपराजी उन्हें क्लिक करने के लिए मौजूद ही नहीं थी जिससे उनका टूट गया दिल करण ट्वीट्स वाज अबाउट टू लैंड वोर अ न्यू जैकेट प्रोडक्ट इन हेयर बिग सनग्लासेस वर पुट ऑन न्यू बैकपैक पोजीशनड फॉर कैप्चर एंड देन द वर्स्ट थिंग हैपेंड द पैप्स वर नॉट देयर शैटर्ड विल नाउ Repeat this look and pray. करण के ट्वीट को पढ़कर कई सेलेब्स ने फनी रिप्लाई किया है 30 में 30 फिल्म धड़क के सेट से जानवी कपूर और ईशान खट्टर की कई पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं फोटोज में जानवी येलो कलर के सूट में तो वहीं ईशान ब्लू कलर के जैकेट और ब्राउन ट्राउजर्स में दिखाई दिए इसके पहले भी धड़क के सेट से जानवी की पिक्चर्स लीक हुई थी जिसमें वो साड़ी में दिखाई दी थी 30 में 30 Later on the show, फरहान अख्तर ने कुछ वक्त के लिए ले लिया है डायरेक्टिंग और एक्टिंग से सबैटिकल सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 के फाइनल शेड्यूल को रैप करने पहुंच चुके हैं अबू धाबी डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि फिल्म का आखिरी शेड्यूल होने वाला है धमाकेदार और रिसेंट पिक्चर स्प्रिंगिंग अप ऑन सोशल मीडिया प्रूव दैट द फाइनल सीक्वेंस इज गोइंग टू बी हाई ऑन एक्शन 30 में 30 हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 के रेड कार्पेट पर दीपिका पादुकोण ने प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए की रणवीर सिंह की तारीफ आई थिंक इट्स बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग इज ही विनिंग एन अवार्ड एज वेल यस ओके ग्रेट ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट यू नो एंड आई थिंक लाइक आई सेड अर्लियर आई थिंक दैट ही इज ऑन हिज वे टू सुपरस्टारडम एंड आई फील सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी बिकॉज वी वर्क नाउ इन 3 फिल्म्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एंड You know, I can see his growth and I can see him, I can see it happening in front of me. So I feel extremely proud. 30 mein 30 हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 के रेड कार्पेट पर दिखा सेलेब्स के स्टाइल का जलवा इस ग्रैंड नाइट के रेड कार्पेट पर हमने स्पॉट किया रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण करण जौहर रेखा सिद्धार्थ मल्होत्रा शाहरुख खान विद वाइफ गौरी खान
Kriti Sanon, Rajkumar Rao, Ulia Vantor, Isabel Kef aur Pooja Hegde jaise celebs ko. 30 mein 30. हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स के स्पेशल शाम को अटेंड करने पहुंची कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ और यहां इजाबेल ने प्लैनेट बॉलीवुड से प्रॉमिस किया कि वो अपनी बॉलीवुड डेब्यू के बारे में हमें जरूर बताएंगी। आई कांट गिव एनी हिंट्स बट द लिटिल बर्डीज आर फ्री टू चिर्प अवे। आई लाइक इट सो सून बट यू हैव टू प्रॉमिस मी यू विल टेल मी फर्स्ट। ओके आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस एक्सक्लूसिव विद ज़ूम। 30 में 30 उलिया वेंटोर अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस को लेकर होती जा रही हैं काफी कॉन्फिडेंट और हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 को अटेंड करने पहुंची उलिया ने अपने परफॉर्मेंसेस के बारे में की बात। I think till now, after so many years of working in television, I think I got used to it, right? So, but yes, of course. I should be asking. Music is different and stage performing, dancing, it's a little bit different. Of course, I also have done a few moments dancing in my TV show as well, like Dancing with the Stars. So yeah, it's not very, very much different, but it's a different kind of audience and it's so much alive and so it's beautiful, actually. 30 mein 30 शाहिद कपूर उनकी वाइफ मीरा की इंस्टाग्राम पिक्चर्स हमेशा से रहती हैं टॉक ऑफ द टाउन और प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली चिट चैट में मीरा ने रिवील किया कि कैसे पिक्चर्स को लेकर उनके और शाहिद के बीच होती है खूब बहस। ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर आई हैव टू से आई थिंक इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स that and the trouble is that I am not a very good photographer. Really? So he clicks nice pictures of me but if I have to click pictures like you can't even click a decent picture. 30 में 30 इंटरनेट सेंसेशन और मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर के हाथ बॉलीवुड की पहली फिल्म लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया को रोहित शेट्टी की रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया का वीडियो वायरल होते ही उन्हें बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। वहीं सिम्बा के को प्रोड्यूसर रहे करण जौहर चाहते थे कि फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट प्रिया को लिया जाए। इससे पहले प्रिया ने भी रणवीर के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई है। 30 में 30 अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की रोमांटिक पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। आजकल ये दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। अनुष्का ने अपने शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लिया हुआ है तो वहीं विराट भी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। अनुष्का ने विराट के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की है जिसे फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद। वहीं विराट ने भी पिक्चर्स शेयर की थी जो वायरल हो गयी। 30 में 30 अमिताभ बच्चन ने लास्ट वीक हुए वुमेन्स डे के खास मौके पर अपनी लाइफ की स्पेशल लेडीज के लिए किया था ये स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन शायद बिग बी अपनी डॉटर इन लॉ फॉर्मर मिस वर्ल्ड और इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक्ट्रेस ऐश्वर्या को इस पोस्ट में शामिल करना भूल गए जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल। 30 में 30 प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म स्टारिंग कंगना रनौत एंड राजकुमार राव को टाइटल दिया है मेंटल है क्या और सोर्सेस की माने तो इससे खान ब्रदर्स सलमान और सोहेल हो गए हैं खफा। रिपोर्टेडली सलमान और सोहेल इस बात से नाराज हैं कि एकता ने अपनी फिल्म का टाइटल डिसाइड करने से पहले उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। वेल जहां सलमान की फिल्म जय हो को पहले मेंटल टाइटल दिया गया था वहीं डायरेक्टर कबीर खान भी ट्यूबलाइट को मेंटल टाइटल देना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और खबरों की माने तो सलमान सोहेल इस टाइटल को अपनी किसी और फिल्म के लिए सेव करना चाहते थे। 30 में 30 पिछले दिनों खबर आई थी कि डैडी करण जौहर अपने ट्विंस यश और रूही की परवरिश के लिए लेने जा रहे हैं कम से कम एक साल का ब्रेक जिसके बाद कहा जा रहा था कि उनके कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं डिले। पर रिसेंटली हुए हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 पर करण ने इन खबरों को बताया सिर्फ एक रूमर। आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रेक। थैंक यू। आई वांट टू टेल यू आई एम गोइंग टू बी एवरीवेयर डूइंग एवरीथिंग आई लव। आई एम टेकिंग नो ब्रेक। ऑफ कोर्स द बेबीज आर ब्यूटीफुल एंड आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर देम बिकॉज़ दे आर माय
my lifeline now, and they're a reason to kind of, you know, go to this 2.0 version of my life. But work is a very big part of who I am, and creating Dharma Productions, taking it to higher levels, is pretty much a big dream I have. इरफान खान की इलनेस और दीपिका पादुकोण की नेक इंजरी की वजह से जहां विशाल भारद्वाज की गैंगस्टर थ्रिलर रानी हो गई है डिले, वहीं अब खबर है कि विशाल नहीं चाहते कि उनका समय बर्बाद हो और इसीलिए उन्होंने अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे वो अपेरेंटली रानी के बाद शुरू करने वाले थे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वो एक बार फिर शाहिद के साथ काम करेंगे और हैदर की ही तरह ये फिल्म होगी शेक्सपियर के एक प्ले का अडैप्टेशन। 30 में 30। रिसेंटली कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या की हुई अनाउंसमेंट, और सोर्सेस की माने तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद कंगना है रिलीव्ड अबाउट हर करियर, क्योंकि सिमरन और रंगून के डिबैकल के बाद उन्हें ऑफर नहीं हुए थे कोई फिल्म प्रोजेक्ट्स। बताया जा रहा है कि ऑफर के बाद कंगना में आए चेंजेस को उनकी टीम ने भी किया है नोटिस। फिलहाल कंगना मनी कर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। 30 में 30। सोहा अली खान आजकल एंजॉय कर रही हैं मदरहुड, और रिसेंटली सोहा नजर आई एक क्लोथिंग एग्जिबिशन पर जहां सोहा ने बताया कि उन्हें अपनी डॉटर इनाया नाओमी केमो को किस तरह ड्रेस करना पसंद है। दिवाली हर फर्स्ट दिवाली वी पुट हर इन अ लिटिल क्यूट चूड़ीदार व्हिच वाज वे टू बिग फॉर हर एंड अ कुर्ता एंड फॉर शिवरात्रि एज़ वेल वी ड्रेस्ड हर अप। इट्स शी इज अडोरेबल, शी जस्ट लुक्स सो क्यूट इन एवरीथिंग शी वेयर्स। 30 में 30। प्रभास को नहीं करनी है हिंदी फिल्म्स। बाहुबली के सुपरहिट होने के बाद व्यूअर्स में प्रभास के क्रेज को देखते हुए बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं, लेकिन प्रभास हैं कि फिल्म करने से कर रहे हैं इनकार। अकॉर्डिंग टू आर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, प्रभास को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेज ने अप्रोच किया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि कई स्क्रिप्ट को उन्होंने होल्ड पर रखा है। 30 में 30। नवाजुद्दीन के लिए खड़ी हो चुकी है एक नई अनवांटेड कंट्रोवर्सी। रिसेंटली नवाजुद्दीन की वाइफ ने उनके अगेंस्ट लगाया एक गंभीर आरोप। नवाजुद्दीन की वाइफ का कहना है कि नवाज ने उन पर नजर रखने के लिए हायर किए थे कुछ खास डिटेक्टिव्स। हालांकि नवाजुद्दीन ने उस पूरे मामले को झुठलाते हुए सोशल मीडिया पर मीडिया वालों पर ही कर दिया पलटवार। 30 में 30। तैमूर के बर्थ के बाद उनके नाम को लेकर छिड़ चुकी थी एक बड़ी कंट्रोवर्सी, लेकिन करीना ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि तैमूर का ये नाम हो सकता था लास्ट मोमेंट पर चेंज। करीना ने बताया कि तैमूर के बर्थ के पहले सैफ ने उन्हें तैमूर के अलावा फैज नाम का भी ऑप्शन दिया था, बट बेबो चोज टू स्टिक विद द नेम तैमूर। 30 में 30। पिछले कई महीनों से एलए में क्वांटिको के थर्ड सीजन के लिए शूट कर रही प्रियंका ने फाइनली कर लिया है अपना इस इंटरनेशनल टीवी सीरीज को रैप अप। प्रियंका हाल ही में शो की टीम के साथ हुई एक रैप अप पार्टी में शामिल। 30 में 30। धड़क के सेट से फ्रीक्वेंटली ईशान जानवी की पिक्चर्स लीक होने के बाद मेकर्स ने सेट पर मोबाइल फोन्स बैन करने का डिसीजन ले लिया है। इसके साथ ही डायरेक्टर शशांक खेतान ने सेट एरिया के आसपास किसी भी फैन के आने पर लगा दी है रोक। 30 में 30। कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि सड़क सीक्वल में आलिया भट्ट और संजय दत्त आने वाले हैं नजर। रिसेंटली जब पूजा भट्ट से इस फिल्म के स्टेटस के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म फेब 2019 में जाएगी ऑन फ्लोर और सिंगल शेड्यूल में ही की जाएगी रैप अप। 30 में 30।
करीना कपूर खान ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। करीना कपूर खान ने रिसेंटली एक चैनल के इवेंट पर नेपोटिज्म के सवाल पर बात करते हुए कहा दैट शी डज नॉट बिलीव दैट नेपोटिज्म एग्जिस्टेड एंड इफ द प्रैक्टिस वाज प्रेवलेंट एवरी स्टार किड वुड हैव गॉन ऑन टू बिकम अ सुपरस्टार इन द फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने रणवीर सिंह का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उन्होंने खुद के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। 30 में 30 अनुष्का शर्मा भोपाल में फिल्म सुई धागा के शूटिंग शेड्यूल खत्म करके मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर अनुष्का को लेने के लिए उनके हबीब विराट कोहली स्पेशली पहुंचे थे। अनुष्का ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स के साथ शेड्स पहने हुए थे। 30 में 30 फरहान अख्तर ने कुछ वक्त के लिए ले लिया है डायरेक्टिंग और एक्टिंग से सबैटिकल, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में फरहान ने रिवील किया कि वो अपना कमबैक प्रोजेक्ट खुद एक्ट और डायरेक्ट करते नजर आ सकते हैं। 30 में 30 मोहिंजोदारो एक्ट्रेस पूजा हेगड़े जल्द ही करने जा रही हैं बाहुबली फेम के प्रभास के साथ काम। ये फिल्म मेजरली आउट ऑफ इंडिया शूट की जाएगी और होने वाली है एक वन ऑफ अ काइंड लव स्टोरी टू बी रिलीज्ड इन हिंदी एंड तेलुगु। 30 में 30 वरुण धवन बनेंगे सुपर हीरो। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज वरुण धवन भी सुपर हीरो पर बेस्ड फिल्म करना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने अपने डैड डेविड धवन से भी बात की है। अपेरेंटली डेविड ने भी वरुण को अपनी तरफ से सुपर हीरो फिल्म के लिए गो अहेड दे दी है। ये भी बताया जा रहा है कि सब अच्छा रहा तो वरुण के लिए एक सुपर हीरो पर बेस्ड अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।